खाइए, गाय का घी बहुत फायदा करेगा, इसको लीजिए खाइए। धन्यवाद। ये देखिए इसी तरह इसको बोलिए, ये डुबाइए और खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। ये उड़द दाल है, आज भैया दीजिए उसी उपलक्ष्य में, आज फारा बनेगा हमारे यहाँ। ये उड़द दाल है, इसको पीसूंगी मिक्सी में डाल के, कल भिगा के रखी थी, आज इसका छिलका उलका निकाल के रख ली हूँ। और ये जो है लहसुन है, और ये अदरक है, ये स्वाद अनुसार मिर्ची डालना, जितना आपको तीखा ज़रूरत हो उतना ही डालिए, और नमक उतना ही डालिए जितनी ज़रूरत हो, और ये हींग है, ये सब हम मिक्सी में पीसते हैं। इसको मिक्सर में पीस लूँगी तब फरा बनाऊँगी। हींग है, अदरक है, ये नमक बाद में डालूंगी जब दाल पीस जाएगी उसके बाद, नहीं तो दाल गीली हो जाती है। देखिए हमारी दाल इस तरह पीस के तैयार हो गई, अब इसको हम जो है थाली में निकालूंगी। ऐसा निकालते हैं, इस तरह आप इसको थाल में निकाल लीजिए, और इसमें जो है ये नमक, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी हल्दी, और थोड़ा जीरा, थोड़ी अजवाइन, बस ये जो है ये सारे मिक्स मसाले हैं, बस। अब इसको इस तरह मिला लेते हैं। चावल काटा है, ये देखिए इस तरह होता है चावल काटा, नया चावल काटा है। अब इसको हम छानूंगी, इसके बाद जो है इसमें रख के इस तरह छान लूंगी। ये देखिए टमाटर चावल तैयार है, अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालूंगी, इतना सा नमक, ये अजवाइन, क्योंकि अजवाइन हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए जो है थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं बस। अब इसको हम इस तरह मिक्स कर देते हैं। अजवाइन डालने से गैस नहीं बनती है, क्योंकि उड़द की दाल में बनेगा, इसलिए जो है अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है। ये नॉर्मल पानी है, गर्म नहीं करी हूँ, इसी तरह पानी है नॉर्मल। ये देखिए हमारा आटा इस तरह सब तैयार हो गया है, ज़्यादा जो है टाइट नहीं सानना है, इस तरह मुलायम सानना है, जिससे आपकी चटाई फटे ना। जो सबसे पहले हम इसमें ये लगा लेते हैं, क्योंकि इसी में हमको रखना है, घी लगा लूँगी तो जो है इतनी बड़ी बड़ी गोली, इतनी गोली बनाना है, छोटे छोटे एकदम। हाथ में घी लगा लेना है ऐसे की मदद से इसको, जिससे गोली चिटके ना। ये देखिए इस तरह इसको डालना है, हमारे यहाँ इसका मुंह नहीं बंद किया जाता, इसी तरह रहता है। पहले अभी नहीं देखा, भगोना है ये, इतना पानी इसमें है, इसी तरह पानी भर के रखना है। अब इसको हम रख देते, ये हमारा पूरा बन गया है, ये देखिए ये पूरा बन गया है। इसको हम ढक दूंगी, भाप से पकेगा ये, हम गैस चला देते हैं इस तरह। अब इसको हम इस पर ढक देते हैं, इसको प्लेट से ढक देते हैं, अगर 15 मिनट में पक जाएगा। पहले आप तेज रखना है, उसके बाद धीमी कर देना है।
ये देखिए हमारा फरा जो है पक के तैयार हो गया है। देखिए कलर चेंज हो गया है, अब पक गया, अब गैस बंद कर देती हूँ। सब फरा और अच्छे से आ रहा है। देखिए ये घी है, ये हमारा बना हुआ फरा है। इसी तरह तो घी के साथ खाइए, फ्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से घी के साथ खाइए। गाय का घी बहुत फायदा करेगा, इसको लीजिए खाइए। धन्यवाद। ये देखिए इसी तरह इसको भूलिए, ये डुबाइए और खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह।